हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमसीबीज चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्रोशेट का लटकन बनाएंगे। उसके लिए मैंने 70 स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रीन कलर का सिल्क थ्रेड लिया है, 70 स्ट्रैंड्स ऑफ गोल्डन कलर का सिल्क थ्रेड लिया है, और ये एक्स्ट्रा मैंने क्रोशेट वर्क के लिए 5 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है। ये कॉटन थ्रेड है, 4 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लिया है। ये क्रोशा का नीडल 8 नंबर है, 0.9 mm है, और साथ में मैंने 2 स्टोन बॉल्स लिए हैं। और ये 2 कैप्स लिए हैं, आप इनके बदले में दूसरे कोई भी कैप्स ले सकते हैं, बस स्मॉल कैप्स लेना है। ये स्क्वायर शेप के बीड्स हैं, इनके बदले में आप राउंड शेप के बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इस लटकन का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, न्यू है। आई होप आपको ये लटकन ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ग्रीन कलर के सिल्क थ्रेड को लेना है, और इस सिल्क थ्रेड के ऊपर गोल्डन कलर के सिल्क थ्रेड को लेना है। इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस में इन सिल्क थ्रेड को रखना है। उसके बाद यहाँ पे कॉटन थ्रेड से इन दोनों सिल्क थ्रेड को टाई कर लेना है। यहाँ पे इन सिल्क थ्रेड को अच्छे से टाइटली टाई करना है। अब हम इस थ्रेड को कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कट करके इन नीडल्स को भी सेपरेट कर लेना है। ये मैंने 5 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है, और नीडल का फेस हमें अपनी तरफ रखना है, और नीडल को सिल्क थ्रेड से इस तरह से 2 राउंड्स लगाने हैं। उसके बाद सिल्क थ्रेड को इन राउंड्स में से पास कर लेना है। अब ये एक स्लिप नॉट बन जाएगा। इन थ्रेड्स को हमें पहले इन फिंगर्स में इस तरह से पकड़ना है, उसके बाद इन सिल्क थ्रेड को ऐसे पकड़ना है, और अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे से इसे अटैच कर देंगे। ये सिंगल क्रोशे बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि गोल्डन कलर का सिल्क थ्रेड ऊपर ही आना चाहिए। ये मैंने एक नॉट लगा दिया है। अब ये दूसरा सिंगल क्रोशे बना लिया है। इसी तरह से हमें टोटल 20 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ट्वेंटी सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब इसके बाद इसको टर्न करना है। अब हमें यहाँ पे इन बीड्स को ऐड करना है। क्रोशेट में इस तरह से 2 बीड्स लेके इन थ्रेड्स में से पास करना है, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे से अटैच कर देना है। उसके बाद
हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। इस तरह से डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे एक लूप बन गया है, ये आप देख सकते हैं। और अब हमें इस लूप में 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक, दो, तीन, नाइन डबल क्रोशे बनाने के बाद जहाँ पे ये क्रोशा का नीडल सीधा आता है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से इस पेटल को अटैच कर देना है। अब ये एक वन पेटल बन गया है। अब यहाँ पे हमें फिर से दो बीड्स लेने हैं। अब इन थ्रेड्स में से इस तरह से बीड्स को पास करके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे से नॉट डाल लेंगे। उसके बाद एक डबल क्रोशे बनाना है। ये हमने एक डबल क्रोशे बना लिया है। अब यहाँ पे एक और लूप बन गया है, इसमें हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। सिल्क थ्रेड को इस तरह से फिंगर्स में पकड़ना है ताकि ये बीच बीच में नहीं आ सके। नाइन डबल क्रोशे बनाने के बाद क्रोशा को इस तरह से पकड़ के देखना है, जहाँ पे ये सीधा आए वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे से इसे हमें अटैच कर देना है। अब ये दो पेटल्स बन गए हैं। इसी तरह के हमें और दो पेटल्स बनाने हैं। अब ये चारों पेटल्स बन गए हैं और इन सिल्क थ्रेड को हमें इस तरह से पास कर लेना है। यहाँ पे एक टाइटली नॉट बन जाएगा। उसके बाद इन्हें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बेंड करके इन दोनों को जॉइंट करना है। अब इस सिल्क थ्रेड को यहाँ पे इन दोनों को मिला के रैप कर देना है, अच्छे से टाइटली रैप करना है। अब यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे। अब इनमें मैंने नीडल डाल लिया है। अच्छे से रैप करने के बाद हम बैक साइड से यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे एक नॉट डाल लेना है। अब ये धागा कट कर लेना है। इन सिल्क थ्रेड्स को ट्रिम कर लेंगे। इस तरह से हम इस ग्रीन और गोल्डन कलर के थ्रेड को अलग अलग करके ट्रिम कर लेना है।
इसी तरह से हमने एक और भी बना लिया है। अब इन दोनों लटकन को हमने ट्रिम कर लिया है। उसके बाद जो ये मिडिल में बीड्स हैं उनमें से नीडल को पास करना है। मैंने इस नीडल में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लिया है। इस तरह से नीडल को पास करने के बाद अब हम इसमें स्टोन बॉल डालेंगे और उसके बाद ये कैप डालना है। उसके बाद ये एक स्मॉल बीड डालेंगे और फिर इस रिंग में से इसे स्टिच कर देना है। आप चाहो तो इन लटकन्स को डायरेक्टली डोरी पर भी स्टिच कर सकते हैं। अब ये लटकन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।